सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। लगातार पवित्र विचार करते रहें। बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एकमात्र समाधान यही है। अपनी भूलों को स्वीकारना उस झाड़ू के समान है जो गंदगी को साफ कर उस स्थान को पहले से अधिक स्वच्छ कर देती है। मनुष्य धन अथवा कुल से नहीं, दिव्य स्वास्थ्य और भव्य आचरण से महान बनता है। आज का पंचांग 22 अप्रैल 2020 दिन बुधवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सुबह 7:55 तक रहेगी। रेवती नामक नक्षत्र दोपहर 1:18 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12 से 1:35 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अगर आज आप शुभ काम करने जा रहे हैं तो कल के लिए टाल दें। आज चंद्रमा मीन राशि पर दोपहर 1:18 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। धनु राशि 22 अप्रैल 2020 दिन बुधवार, आज का दिन तारीफ और प्रशंसा से भरा रहेगा। आपके बेहतरीन कामों के लिए पुरस्कार भी मिल सकते हैं। आपके सच के साथ बने रहने की खासियत से आप अपने से प्रतिस्पर्धा करने वाले कई लोगों के रोल मॉडल बन पाएंगे। आज कोई फैसला कार्यान्वित करने से पहले एक बार फिर से सोच लें। आज आप स्पेशल की तरह महसूस करेंगे और लोग भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। आप कुछ रोचक लोगों से मिलेंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। नई गतिविधियां और मनोरंजन आपके लिए विश्राम करने में सहायक सिद्ध होंगे। आज के दिन आप जिम्मेदारियों को फिर से देखना और प्राथमिकता देना चाहेंगे। रोमांस और रोमांस से भरा हो सकता है। जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए कुछ अच्छी खबरें आज आ सकती है। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी नए व्यक्ति से होने के योग बन रहे हैं। आपके काम में मन थोड़ा कम ही लगेगा, लेकिन फिर भी जरूरी कामों को तय समय सीमा में निपटाने का प्रयास करें। थोड़ी भी लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। सावधानियां, आप काम में अपने प्रदर्शन से खुद को संतुष्ट पाएंगे जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्य सिद्धांत और दक्षता अभी प्रबल है। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन आपका यह प्रशंसनीय गुण निजी रिश्तों में असंतोष लाता है। लव लाइफ की बात करें तो आप में से जो लोग अकेले हैं, वे अपने संबंध की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं। जो पहले से किसी के साथ समर्पित संबंध में बन चुके हैं, वे अपने रिश्ते का खोया हुआ रोमांस वापस पाने की कोशिश करेंगे। अभी चुनौतियों पर आपका साहस भारी पड़ेगा और आप किसी भी चीज से नहीं डरेंगे। करियर की बात करें तो आज आप एक आमंत्रक की भूमिका में रहेंगे, इसीलिए एक मेजबान की जगह एक आयोजक की भूमिका में रहें। आप दोनों ही मामलों में अच्छी राशि पाएंगे, परंतु एक आयोजन की भूमिका लाभप्रद होगी। यह आपकी जन्मजात क्षमताओं में से एक है, सिर्फ आप उसकी पहचान नहीं कर पा रहे थे। सेहत की बात करें तो जीवन में कई बार चीजें अपने हिसाब से होती है और जब कोई भी चीज अपने हाथ में ना हो तो धीरज और शांति से इजहार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अगर आप बेचैनी तथा अधीरता दिखाएंगे तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। किसी हिस्से में दर्द महसूस कर सकते हैं। आराम करें और कोई अच्छा या खुश कर देने वाला संगीत सुनें, आपको काफी राहत महसूस होगी। आज आप गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।